आज इस वीडियो में हम गैफी, जोई और रानी को एक मजेदार कहानी पर चर्चा करते हुए देखेंगे। जोई, ये कौन सी किताब है? ये एक कहानी की किताब है। अरे वाह, कहानियों की किताब। चलो इस किताब में से एक कहानी पढ़ते हैं। कहानी मैं पढ़ूंगी। ठीक है, तो फिर हमें ये वाली कहानी पढ़कर सुनाओ, शेर और चार गाय। ठीक है। एक बार की बात है, एक जंगल में चार गाय रहती थी। चारों गाय एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो चारों गाय एक साथ मिलकर घास चरने जाती थी और बिना किसी से लड़े झगड़े आपस में बांटकर खाती थी। उस जंगल में एक शेर भी था जो काफी दिनों से इन चारों गायों के ऊपर नजर बनाए हुए था। अचानक से एक दिन शेर ने इन चारों गायों पर हमला बोल दिया। क्या शेर उन चारों गाय को खा जाएगा? मुझे तो लगता है शेर गायों को खा जाएगा। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है दोस्तों? चलो कहानी में आगे पढ़कर पता लगाते हैं। चारों गाय दोस्तों ने बिना डरे शेर से मुकाबला किया और अंत में शेर हार मानकर वहाँ से भाग गया। शेर को पता चल गया कि जब तक ये चारों एक साथ है तब तक वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ दिन बीते, आखिरकार एक दिन उन चारों गायों में एक बात को लेकर झगड़ा हो गया और वो चारों गाय अलग रहने लगी। अरे ये क्या, इतने अच्छे दोस्त होने के बाद भी गायों के बीच लड़ाई हो गई? हाँ, और इसका फायदा शेर को मिलेगा। अब वो चारों गायों को मारकर खा लेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा? चलो कहानी पढ़कर पता लगाते हैं। अब वो घास चरने के लिए भी अलग अलग ही जाया करते थे। शेर को ये एक बहुत ही अच्छा अवसर मिल गया उन गायों के ऊपर हमला करने का। एक दिन उसने एक गाय को अकेले दूर जंगल में घास चरते हुए देखा और उसने उस पर हमला कर दिया। ये गाय तो अकेली थी और शेर से अकेले नहीं लड़ पाई और शेर ने उसे मार दिया। इसी तरह एक एक करके शेर ने उन चारों गायों को मार दिया और खा गया। बेचारी गाय, उन्हें लड़ना नहीं चाहिए था। बिल्कुल सही कह रही हो गैफी। दोस्तों, अब आपकी बारी है स्क्रीन पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने की। आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी में कितनी गाय हैं? गायों का आपस में मिलजुल कर रहने से क्या फायदा था? आप अपने उत्तर अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने एक मजेदार कहानी पर चर्चा की।